हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। टुडे वी आर डिस्कस अ क्वेश्चन ऑन द टॉपिक ऑफ डिजाइनिंग अ डीएफए। क्वेश्चन क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन अ डीएफए एक्सेप्टिंग द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर सिग्मा ए कोमा बी हुज केथ सिंबल फ्रॉम एंडिंग इज ए। कि हमारा एंडिंग से केथ सिंबल क्या होना चाहिए, ए। उस केस में हमारी कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स यूज होंगी, ये क्वेश्चन डायरेक्ट यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम आंसर याद करना चाहें तो आंसर याद रख सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम अगर जनरलाइज करें कि कैसे ये क्वेश्चन का आंसर आया तो वो हम डिस्कस करते हैं अभी वीडियो में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हुज केथ सिंबल फ्रॉम बिगिनिंग इज ए, कि अगर हमारा स्टार्टिंग से केथ सिंबल ए हो या बी हो तो उस केस में हमारी कितनी स्टेट्स लगेंगी। तो उस केस के लिए हमारी स्टेट्स आई थी K+2। आज हम देखते हैं कि अगर एंडिंग से केथ सिंबल है तो हमारी कितनी स्टेट्स यूज होंगी इस क्वेश्चन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, यानी कि केथ सिंबल फ्रॉम एंडिंग से क्या होना चाहिए हमारा, ए। ए केथ सिंबल, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा केथ सिंबल है, इधर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब कितने भी सिंबल जिसके आगे या पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो केथ सिंबल होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, ए। तो इस क्वेश्चन को जनरलाइज आइडिया को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कितनी टोटल स्टेट्स यूज होंगी। पहले हम सिंपली फाइंड करेंगे अगर हमारा फर्स्ट सिंबल फ्रॉम एंडिंग इज ए है तो कितनी स्टेट्स यूज हुई हैं, और सेकंड सिंबल फ्रॉम एंडिंग इज ए है तो कितने स्टेट्स यूज होंगी। इस आईडी, इस कंसेप्ट को अगर हम यूज करते हैं तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा हमें अंडरस्टैंड करना, और अगर हम डायरेक्टली केथ सिंबल निकाले तो वो हमारे लिए इनएफिशिएंट रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट सिंबल फ्रॉम एंडिंग इज ए, यानी कि लास्ट का जो फर्स्ट सिंबल है वो हमारा क्या होना चाहिए, ए। उससे पहले हमारा कोई भी ए बी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, या फिर बी ए ए हो सकता है, बी बी ए हो सकता है, कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे हो सकते हैं यहाँ से। लेकिन हमारा जो एंडिंग का फर्स्ट सिंबल है, ये लास्ट जो सिंबल है हमारा, वो क्या होना चाहिए, ए। ए सॉरी, ए बी नहीं होगा, बी ए ए ए ए, कि जो लास्ट सिंबल है वो हमारा क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ से हमारे पास मिनिमम स्ट्रिंग क्या आई है, ए। तो सबसे पहले हम मिनिमम स्ट्रिंग के लिए डीएफए कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो क्यू नोट स्टेट से हमने ए को रीड किया और हम गए Q1 स्टेट पे, उस स्टेट को हमने बना दिया फाइनल स्टेट। ठीक है, ये हमारा डीएफए कंस्ट्रक्ट हो चुका है मिनिमम, जस्ट अब हमें इसको कंप्लीट करना है। तो ए स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट हो चुकी है, यानी कि लास्ट की जो सिंबल है हमारा वो क्या है, ए है। अब उससे पहले तो हमारे पास कितने ही नंबर ऑफ बीज हो सकते हैं। हमने बी के लिए ट्रांजिशन फंक्शन क्यू नोट स्टेट पे सेल्फ लूप लगा दिया। अब हम आते हैं Q1 स्टेट पे, अगर हमारे पास Q1 स्टेट पे आता है ए, तो ए हम रीड कर चुके हैं, उसके बाद ए तो आ सकता है, कितनी बार भी आ सकता है, 1, 2, 3 कितनी बार भी। तो उसके लिए हमने लगा दिया सेल्फ लूप, क्योंकि वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग तो हमारी एक्सेप्ट होगी इस डीएफए से, क्योंकि उसमें लास्ट का सिंबल क्या है, ए है, और हमारी लैंग्वेज भी क्या है कि फर्स्ट सिंबल फ्रॉम एंडिंग इज ए, कि जो हमारा फर्स्ट सिंबल है एंडिंग से वो क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अब अगर हमारा आता है Q1 स्टेट पे बी, तो हम क्या करेंगे, हमने ए रीड कर लिया है, उसके बाद अगर हमारा आया बी तो वो स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, तो हम जाएंगे नॉन फाइनल स्टेट पे। लेकिन इस ए बी के बाद अगर दोबारा से ए आ जाता है तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। तो हम Q1 स्टेट पे से मूव करके गए, अगर हमारा B आया क्यू नोट स्टेट पे, अब A B एक्सेप्ट नहीं हुआ, A B उसके बाद दोबारा से अगर A आता तो Q1 स्टेट पे आते और वो एक्सेप्ट हो जाती। ये हमारा DFA कंस्ट्रक्ट हो गया है फर्स्ट सिंबल फ्रॉम एंडिंग इज A के लिए। अब यहाँ पे हमारी कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स यूज हुई हैं, 1, 2। तो यहाँ पे हमारी कितनी स्टेट्स यूज हुई हैं, 2, फर्स्ट सिंबल फ्रॉम एंडिंग इज ए। अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं सेकंड सिंबल के लिए, अगर हमारा सेकंड सिंबल फ्रॉम एंडिंग इज ए है तो कितनी स्टेट्स यूज होंगी। तो अब हमारे पास लास्ट का जो लास्ट सिंबल है, फर्स्ट सिंबल फ्रॉम एंडिंग तो कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कंडीशन नहीं है, लेकिन जो सेकंड सिंबल होगा एंडिंग से वो हमारा क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, और उससे पहले भी कोई भी सिंबल हो सकता है, ए कोमा बी सिग्मा
स्टार से। तो यहाँ से हमारे पास मिनिमम स्ट्रिंग कौन कौन सी आई, ए ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए ए ए हो सकता है, ए ए बी अप टू सो ऑन। हमें सिर्फ क्या चेक करना है, हमारा सेकंड सिंबल फ्रॉम एंडिंग इज क्या होना चाहिए, ए। सेकंड सिंबल एंडिंग से सेकंड सिंबल हमारा क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अब इसके लिए हम डीएफए कंस्ट्रक्ट करते, तो यहाँ पे हमारी मिनिमम स्ट्रिंग कौन कौन सी हैं, ए ए ए बी। तो हमें सबसे पहले ए ए के लिए कंस्ट्रक्ट करना है, क्यू नॉट स्टेट। अगर आता है ए तो हम आए क्यू वन स्टेट पे, ए तो दोनों में कॉमन है, ए ए। अब क्यू नो क्यू वन स्टेट पे हमारे पास दो चॉइस हो गई हैं, अगर ए आया तो हम क्यू टू स्टेट पे गए, अगर हमारा आया बी तो हम क्यू थ्री स्टेट पे गए। और ये दोनों स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट होनी चाहिए इस डीएफए से, ए ए ए बी, क्योंकि जो हमारा लास्ट का सेकंड सिंबल है, एंडिंग से सेकंड सिंबल है, वो हमारा क्या है, ए है। तो इन दोनों स्टेट्स को हमने बना दिया फाइनल स्टेट, क्यू टू को और क्यू थ्री को। तो यहां से हमारा मिनिमम डीएफए कंस्ट्रक्ट हो गया, अब इसको जस्ट कंप्लीट करना है। अब क्यू नोट स्टेट पे अगर हमारा आता है बी, क्यू नोट स्टेट पे अगर हमारा आया बी, तो हमारे फर्स्ट में तो बी कितने भी हो सकते हैं, बी आ भी सकता है, बी ना भी आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सेकंड सिंबल है एंडिंग से वो क्या होना चाहिए, ए। तो उससे पहले तो हमारे बी आ सकते हैं ना, और उसके बाद भी ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है लास्ट का सिंबल, लेकिन लास्ट सेकंड सिंबल क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ पे हमने बी के लिए लगा दिया सेल्फ लूप। अब इसकी जो ये स्टेट्स हैं इनकी हम थोड़ी नेमिंग चेंज करते हैं, उससे हमारा कंसेप्ट थोड़ा और इजी हो जाएगा। अब क्यू नोट स्टेट पे हमारे लास्ट के दो सिंबल क्या हैं, या तो कुछ भी नहीं है अगर बी नहीं आया तो, और अगर बी आता है तो लास्ट का एक सिंबल भी बी होगा और दो सिंबल भी बी होंगे। तो लास्ट के दो सिंबल हमारे क्या हैं, बी। ये हमारा लास्ट सिंबल है, ये हमारा लास्ट का सेकंड सिंबल है। देन हमारे पास आया ए, अब हम आए क्यू वन स्टेट पे, क्यू वन पे हमने दोनों ट्रांजिशन फंक्शन अप्लाई कर रखे हैं, ए के लिए भी बी के लिए भी। अब हम मूव करते हैं क्यू टू स्टेट पे, क्यू टू स्टेट पे अगर हमारा आता है ए, अब यहाँ तक क्यू वन स्टेट की अगर हम नेमिंग चेंज करें तो यहाँ पे बी ए, तो लास्ट का सिंबल हमारे क्या हो सकते हैं, बी ए। ये लास्ट का सेकंड सिंबल होगा, ये लास्ट सिंबल होगा बी ए। क्यू टू स्टेट पे अगर हम यहाँ पे ए ए ए ए हमने रीड कर लिया है, उसके बाद अगर हमारा आया ए तो वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, ए के लिए हमने लगा दिया सेल्फ लूप। वो हमारे कितने भी एज हो सकते हैं, ए की पावर कितनी भी हो, क्योंकि हमें तो लास्ट सेकंड सिंबल देखना है जो कि हमारा ए होगा हर केस में, अगर ए के लिए सेल्फ लूप है तो। तो ये एक्सेप्ट हो गया यहाँ से। देन क्यू टू स्टेट पे अगर हमारा आया बी, ए ए हम रीड कर चुके हैं, उसके बाद अगर हमारा आया बी, तो ये भी हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें सेकंड सिंबल देखना है, एंडिंग से सेकंड सिंबल, तो एंडिंग वाला सिंबल क्या है, बी, उसके बाद क्या है, ए, तो ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए। तो ए ए अगर बी आता है तो हम क्यू थ्री स्टेट पे चले जाएंगे, क्योंकि उसको हमने एक्सेप्ट कराना है अपने डीएफए से। अब हम आप सोचते होंगे कि बी के लिए भी अगर सेल्फ लूप लगा देते, अगर बी के लिए सेल्फ लूप हो जाता तो क्या क्या पॉसिबल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होती, ए ए बी बी बी, जो कि एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो हम बी के लिए सेल्फ लूप नहीं लगा सकते, हम जस्ट अगर हमारा आएगा बी तो हम मूव करके जाएंगे किसी अनदर फाइनल स्टेट पे। अब अगर इसकी नेमिंग चेंज करें तो क्या होगी, यहाँ तक हमने ए ए और लास्ट के यहाँ तक हमारे दो सिंबल्स क्या हैं, ए ए ए ए, इसकी नेमिंग क्या होगी, ए ए ए, और लास्ट में अगर दोबारा भी ए आता है तो भी क्या रहेगा, ए, ठीक है। अब आते हैं Q3 स्टेट पे, अगर Q3 स्टेट पे हमारे पास आया A, अब तक हमने क्या रीड किया है, A B, उसके बाद अगर हमारा आया A, तो ये हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका लास्ट का सेकंड सिंबल क्या है, B है। अब यहाँ से हम इसको एस सिर्फ देख के भी बता सकते हैं कि हम Q3 स्टेट से कहाँ जाएंगे, अगर हमारा आता है A तो हम कहाँ जाएंगे, बी ए स्टेट पे, ए बी ए, जो कि एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद अगर हमारा आ जाता बी या ए तो वो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती, इसलिए हम कहाँ पे आगे, क्यू बी ए पे, ए बी
ए यहाँ पे आ गए, उसके बाद ए आएगा तो भी एक्सेप्ट होगा, बी आएगा तो भी एक्सेप्ट होगा, क्योंकि लास्ट का जो सेकंड सिंबल होगा वो क्या होगा, ए होगा। सेम एज अगर हमारा क्यू थ्री स्टेट पे आता है बी, अब तक हमने क्या रीड किया, ए बी ए बी, उसके बाद अगर हमारा आया बी तो लास्ट के दो सिंबल हमारे क्या हो गए, बी बी, यानी कि हमें अगर बी आता है तो कौन से स्टेट पे जाना है, बी बी, हम मूव करके आगे क्यू नॉट स्टेट पे जिसकी हमने नेमिंग की थी बी बी, क्योंकि अगर ए बी बी आया तो एक्सेप्ट नहीं होगा, इसको दोबारा से ए रीड करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट का सेकंड सिंबल क्या होना चाहिए, ए, और उसके बाद कोई भी ए या बी कोई भी को सिंबल हमारा हो सकता है, लेकिन लास्ट का सेकंड सिंबल क्या होगा, ए होगा, इसलिए हम मूव करके आए बी स्टेट पे। और अगर इसकी नेमिंग करना चाहें तो यहाँ से हमारे लास्ट के दो सिंबल्स कौन कौन से हो चुके हैं, ए बी ए बी, ठीक है। तो ये डीएफए हमारा, हमारी सारी स्टेट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, ये डीएफए हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया, सेकंड सिंबल फ्रॉम एंडिंग इज ए। तो यहाँ पे कितनी स्टेट्स यूज हुई, 1 2 3 4 4। तो ऐसे ही अगर हमारा के की वैल्यू हमने रखी 1 तो हमारी कितनी स्टेट्स लगी, 2। के की वैल्यू अगर हमने रखी 2 तो हमारी कितनी स्टेट्स यूज हुई, 4। तो इससे हमें क्या आइडिया मिल रहा है कि अगर हमारा जो kth सिंबल फ्रॉम एंडिंग होगा उस केस में हमारी कितनी स्टेट्स यूज होंगी, 2 raised to power k, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली हमारी स्टेट्स इंक्रीज हो रही हैं। k की वैल्यू 1 थी तो 2 स्टेट्स यूज हुई, दैट मीन्स 2 raised to power 1। k की वैल्यू 2 थी तो हमारी 4 स्टेट्स यूज हुई हैं, k की पावर 2। और अगर यहाँ पे k की वैल्यू हम 3 रख के, कि लास्ट का जो हमारा थर्ड सिंबल है एंडिंग से, अगर वो ए होता, अगर वो भी पॉसिबल केस को अगर हम चेक करते एग्जांपल से, तो हमारी कितनी स्टेट्स यूज होती, 8 2 raised to power 3। तो इसलिए इस डीएफए को हम क्या बोलते हैं, वर्स्ट डीएफए, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो स्टेट्स हैं वो कितनी यूज होती हैं, एक्सपोनेंशियल पावर में इंक्रीज होती हैं। तो के सिंबल फ्रॉम एंडिंग के लिए कितनी स्टेट्स यूज हुई, 2 raised to power k। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।